अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयर करूंगा कि हमें जो भी लोग वेबसाइट की फील्ड में वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं तो उनको कौन सी जो नीच है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे विजिटर्स काफ़ी हैं, ट्रैफिक काफ़ी है, लेकिन वो एक दो महीने के बाद आपकी जो साइट है वो गूगल की तरफ से पैनलाइज हो जाती है या पेनल्टी पड़ जाती है या वो गूगल की तरफ से रैंक करना छोड़ जाती है और वो समझ लें बिल्कुल गैग हो जाती है, साइट किसी भी काम की नहीं रहती। तो वो कौन सी नीचेज है, मैंने खुद भी अपनी काफ़ी साइट्स वगैरह बनाई है, मैंने पहले ये काम काफ़ी किया, लेकिन अभी के टाइम में जब भी गूगल की हैवी वाली अपडेट्स निकली है ना, तो उसकी वजह से सारी साइट्स मेरी जो थी मैंने उनसे अर्निंग भी काफ़ी किया, लेकिन वो आपके टाइम में वो नीच पे काम करना बेफजूल है। अगर कोई बता रहा है तो वो अपने रिस्क पे करे ही, और अगर कोई करना चाह रहा है तो यहाँ पे पहली जो नीच है वो है सॉफ्टवेयर क्रैक्स की, यानी कि जो लोग सॉफ्टवेयर क्रैक पे काम करना चाह रहे हैं कि मैं क्रैक्स बनाऊँ, क्रैक वाली जैसी है कि अनुग्राफिक सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड भी क्रैक, इनकी गूगल पे काफ़ी सर्च है, सर्च और कॉम्पिटिशन भी कम है, आपको अच्छा वाला यूज़र देखने को मिल जाएगा। मगर ये क्रैक श्रैक लाइसेंस की या हैकिंग शैकिंग या फिर मोग ए बी के जो है ना, ये आपकी साइट को बैन करवा देगा गूगल की जानिब से, आपकी एक डोमेन बैन हो जाएगी। ये भी मेरी वेबसाइट के सॉफ्टवेयर क्रैक्स, ये मेरी ही वेबसाइट है, मैंने काफ़ी डेट्स पे काम किया, लेकिन ये शुरू के एक दो वीक्स में अच्छा इसने यूज़र गेन किया। मैं आपको किसी टाइम इसका ना कंसोल भी चेक करवा दूँगा, अब मेरे पास उसकी सॉरी एक्सेस नहीं है, दो महीने पुरानी पता नहीं मैंने जी मेल पे इसका लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि आपने सॉफ्टवेयर क्रैक्स वाली को अब भूल जाए, अगर आपकी चल भी पड़ी है ना तो ठीक है, एक दो महीने बाद वो बैन होने वाली है, आप उसके लिए तैयार रहें। और इसके अलावा आ जाते हैं मूवीज़ पे, कुछ लोग यार मूवीज़ पे काम करें, मूवीज़ बहुत अच्छी हैं। ये भी मेरी एक वेबसाइट है cmovies.us, इस पर मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ पैक की, मूवीज़ किया है सिर्फ टाइटल और नीचे कंटेंट तक, कोई उसमें ऐसा वैसा लिंक भी नहीं है मूवी का कि यहाँ से आप वॉच करें या वॉच करें, सिर्फ कंटेंट बैंका हुआ है। और इस वाली वेबसाइट को भी गूगल ने पैनलाइज किया हुआ है, वहाँ पर पेनल्टी पड़ी है कि आपने टाइटल में भी क्यों लिखा डाउनलोड का बटन कि डाउनलोड या ये वो करके, क्योंकि डाउनलोड अगर लिखा हो टाइटल में तो यकीनन क्लिक्स की जो शेयर है वो ज़्यादा होती है बजाय के दूसरे के, वॉच ऑनलाइन भी लिख लें तब भी यही मसला होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी साइट थी जो कि अभी ये कि इस टाइम में ये भी स्लॉप हो गई हुई है, फारिग हो गई है, ये भी तकरीबन एक दो हफ्ते बाद फारिग हो गई है, शुरू में मुझे उससे अच्छा यूज़र मिला। सॉफ्टवेयर क्रैक्स पर मैंने काफ़ी टाइम पहले काम किया था, ये एक वेबसाइट थी मेरी जो कि मैं अभी एक टाइम में सेल कर चुका हुआ जी, मैंने ये मैं तकरीबन दो साल पहले मैंने सेल कर दी हुई थी ये साइट, यहाँ पर भी सिर्फ मैंने क्रैक्स वगैरह बन गए, अब अभी भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्रैक्स का नाम आ रहा है, लेकिन जिसको मैंने सेल की उसके बाद में इसमें गेस्ट पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, मेरी पोस्टें एज समझ लगे हाइक हो गई यहाँ से, इतनी उसने इस पर पोस्टिंग कर दी हुई है। इसका कब तब का ग्राफिक भी डेली का 1800 एक लगा था, तो अब की टाइम में ये बिल्कुल एज ए फ्लॉप हो गई है साइट, यानी कि कोई मुझे अभी के टाइम में अगर आप क्रैक्स पे काम करेंगे तो आपकी जो सारी मेहनत है वो वेस्ट तो हो जाएगी, कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपने ये तीन चार नीचेज हैं मूवी वाली, सॉफ्टवेयर क्रैक्स थी मोगेपी के, और एक तीसरी मैंने जो स्टार्ट की थी मैं उसकी साइड भी आपकी, ये भी मेरी एक वेबसाइट है quizsolve.com, ये भी मेरी है, लेकिन इस पर मैंने ये फ्रेश साइट बनाई थी, मैंने इस पर अभी सिर्फ एक पोस्ट था, बाकी सारी मैंने तब मैं डिलीट मार की थी। वो मसला मेरे था ये हुआ कि मैंने ना ये जो होते ना कैस्ट आंसर्स फाइवर के जो क्वेर वहाँ पे आते हैं एमसीक्यूज, तो उन पर मैंने ना उनके आंसर्स फेंके हुए थे एमसीक्यूज के साथ, तो गूगल ने इस चीज़ को भी अपनी लेटेस्ट अपडेट में कैच किया तब की बात है, तो मेरी तब भी यहाँ पर तकरीबन 40 पोस्टें थी टेस्ट आंसर्स पे जो सब की सब उसने उठा के बैन की, वो ट्रैफिक डाउन कर दिया, तो ये साइट मेरी एज ए फ्लॉप होगी। मैंने पोस्टें क्लिक करें दोबारा भी करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, साइट गूगल की जानिब से बैन हो गई है। ठीक है, पोस्ट का इंडेक्स है मेरी सारी, आप खुद भी जाके सॉफ्टवेयर क्रैक्स या सी मूवीज़ में आके आप चेक कर सकते हैं, पोस्ट के मेरी इंडेक्स है गूगल में, लेकिन बाहर कहीं पे भी आपको शो नहीं होगी, वे गूगल की जानिब से बैन है साइट।
आंसर्स वगैरह पे भी आपने काम नहीं करना, होर्सोक, फाइवर टेस्ट आंसर, एसईओ टेस्ट आंसर, इंग्लिश टेस्ट आंसर, इन पे आपने काम नहीं करना। जिन पे काम करना है ये थी वीडियो जिनको आपने अवॉइड करना है। अब जिन पे काम करना वो मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, उसमें बताऊंगा ये जिस पे काम करें आपकी वेबसाइट ना ना कभी उड़ेगी और आपको अच्छा खासा वहाँ पे यूज़र भी मिलेगा, भर भर के ट्रैफिक मिलेगा आपको। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जो चीज़ें मैंने कही हैं आप अगर आप खुद भी जमाना चाहते हैं तो आप आजमाएं। वैसे मैंने अपनी साइट्स आपको शो करवाई हैं कि भाई ये मेरी साइट्स की जो कि अभी के टाइम में गूगल में बैन है, तो आप इस पे काम ना करें। मूवीज़ पे भी ऐसा वैसे कोई नहीं था, जो मैंने सॉफ्टवेयर क्रैक वेबसाइट बनाई है इसमें भी मैंने सॉफ्टवेयर दिया ही नहीं हुआ था, जस्ट देख लें टाइटल है और नीचे पूरा आर्टिकल है। और ये जो डाउनलोड फाइल का बगल है ना, ये भी मेरी दूसरी पोस्ट का यानी कि फेंका हुआ है, ये कोई जेन्युइन बगल नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही मैंने फेंका, क्योंकि कोई क्लिक करेगा तो वापस घूम के मेरी इसी साइड पे आ जाएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जो आपको ठीक लगता है फिर आप बाकी करें, और जो आप अभी के टाइम में कर रहे हैं कि मुझे ये सही लग रहा है कि नहीं, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लाजमी से पूछें, मैं आपको बताऊँगा कि ये काम आप करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।